2013-14 में जब पिछली सरकार का आखिरी बजट आया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार का लास्ट बजट, वो 16 लाख करोड़ रुपए का था, 16 लाख करोड़। आज हमारी सरकार में ये बजट 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव माध्यम कहा जाता है, और उसका आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2004 जब अटल जी की सरकार गई, 2004 में यूपीए सरकार की शुरुआत हुई, और यूपीए सरकार के पहले बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 90,000 करोड़ रुपए था, 90,000 करोड़ रुपीज। 10 साल सरकार चलाने के बाद, यानी 2014 में यूपीए सरकार का 10वां वर्ष था, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा पाई थी, यानी 90,000 से 2 लाख करोड़। और आज कैपेक्स 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यानी 2004 टू 2014 के 10th ईयर में कैपेक्स किसी तरह दुगुने पर पहुंचा था, जबकि हमारी सरकार में कैपेक्स 5 गुना ज्यादा से बढ़ा है। और आप अलग अलग सेक्टर्स को देखेंगे तो भी आपको सटीक अंदाजा मिलेगा कि आज भारत किस तरह हर सेक्टर की इकोनॉमी पर फोकस कर रहा है।